गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इन द चैप्टर नंबर टेन रीचिंग द एज एज ऑफ एडोलेसेंस में हम पढ़ रहे थे कि ऑन द टाइम ऑफ एडोलेसेंस ऑन द टाइम ऑफ पेब्योरिटी वट टाइप ऑफ चेंजेस अकर्स इन आवर बॉडी इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेनी फैक्टर्स मेनी करेक्टर्स विच अंडर चेंज ड्यूरिंग पेब्योरिटी इन द सिक्वेंस कल हमने पढ़ा सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट आज हम पढ़ेंगे हारमोन्स किस तरीके से हारमोन्स जो है वो बॉडी में प्योरिटी के टाइम पे बॉयज और गर्ल्स की बॉडी में रिलीज होते हैं जिससे कि उसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है ठीक हारमोन्स जनरली सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड बॉयज में ये हारमोन सिक्रेट होते हैं मेन हार्मोन सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन ठीक इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बॉयज में सेक्स हार्मोन जो रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन और ये टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है टेस्टिस और इसकी वजह से बॉयज में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बॉयज के हमने पढ़े हैं कल के वीडियो में वो सब इस हार्मोन्स के ज़... रिलीज होने के कारण होते हैं ठीक दूसरा नेक्स्ट आपका गर्ल्स में गर्ल्स में जो ओवरीज होती हैं वो एक तो उनमें ग्रोथ होने लगती है और ओवरीज एक फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन और यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो हैं, वो गर्ल्स में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मैंने कल बताया कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और ओवरी में से ओवम प्रोड्यूस होता है ये सारे के सारे जो काम है ये किसकी वजह से होते हैं एस्टेरोजन की वजह से तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टेर कौन सीक्रेट करता है टेस्टिस गर्ल्स में फीमेल सेक्स सेक्स एस्ट्रोजन और सिक्रेटेड बाय ओवरी और ये दोनों ही ओवरी और टेस्टिस इसको सिक्रिएट करेंगे ये चीज कंट्रोल करता है एक दूसरा हार्मोन एक दूसरी ग्लैंड जनरली उसको हम क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है कि टेस्टिस से कब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो और ओवरी से कब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन स्टार्ट हो ठीक तो ये सेक्स हारमोन्स से, हैं कल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था इसको रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन इसमें किस तरीके से इसका फंक्शन होता है ये सेक्स हार्मोन का क्या रोल है सेक्स हार्मोन का रोल देखिए द ऑनसेट ऑफ पिब्योरिटी इज कंट्रोल बाय हार्मोन हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टूमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टेर एंड एस्टेरोजन जब भी एडलोसेंस पिब्योरिटी का टाइम स्टार्ट होता है 11 ईयर के आसपास उस टाइम पे क्या होता है जब मैंने आपको कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है हमारे दिमाग में हमारे सर में तो ब्रेन के बैक साइड में हमारे जहाँ पे कहते हैं ना छोटा दिमाग होता है छोटा दिमाग वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ठीक है वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और वो क्या करती है टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करती है स्टिमुलेट करना मतलब एक्टिव करती है ताकि वो टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट कर सकें जैसे ही ये दोनों हार्मोन्स मेल और फीमेल की बॉडी में रिलीज होते हैं रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रिलीज पार्ट टू बॉडी और ब्लड में जाकर के रिलीज होते हैं और पहुंचते हैं जहां पे उसका टारगेट साइट है जैसे टेस्टेस्टेर का टारगेट साइट क्या है स्पर्म प्रोड्यूस करना तो टेस्टिस में जा करके और हेयर की ग्रोथ होनी है तो पे 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 होगी स्किन स्किन तो वो पे जा करके वहाँ टारगेट करेगा इसी तरीके से मेल फीमेल में क्या है हेयर ग्रोथ स्किन पे अलग अलग दूसरा ब्रेस्ट की ग्रोथ मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ वो जा के कहा होगी ब्रेस्ट में तो इस तरीके से स्टिमुलेट करता है बॉडी में चेंजेस को और ये जैसे ही टारगेट पे पहुंचा क्या करेगा बॉडी में जो भी चेंजेस होने हैं उनको ये कंप्लीट करेगा ठीक फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कब से स्टार्ट होता है क्योंकि जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी बॉडी में पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता है बट एट द एज ऑफ इलेवन ईयर के बाद जहाँ से उसका एडलसेंस एज स्टार्ट होता है पिब्योरिटी स्टार्ट होती है वहाँ से उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है इट मीन्स उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वेल well डेवलप हो जाता है और उसके बाद अप टू फोर्टी फाइव या फिफ्टी एज तक उसकी रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करना धीरे धीरे कम कर देता है ठीक फिर इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है वन ओवम मेच्योर एंड इट्स रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी मैंने जैसे आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हर एक ओवरी से हर मंथ सिर्फ एक ओवम रिलीज होता है इन अबाउट ट्वेंटी एट एंड थर्टी डेज वन मंथ में सिर्फ एक ओवम रिलीज होता है वो भी एक ओवरी से अगली बार दूसरी ओवरी से ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक और जब ओवम रिलीज होता है उसके बाद यूट्रस की जो लेयर है अंदर की क्योंकि अंदर यूट्रस क्या है अंदर से खाली है जैसा आपने फिगर में देखा था यूट्रस अंदर से खाली है तो जो उसके अंदर की लाइनिंग है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है थिक होने लगती है थिक मतलब सपोर्टिव होने लगती है क्योंकि जैसे ही सो एज टू रिसीव द एग जैसे ही वो जाइोड को रिसीव करे फर्टिलाइज एग को रिसीव करे तो वो उसमें जाके अटैच हो जाए और उसका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके मीन्स जैसे ही फीमेल की बॉडी में एस्टेरोजन हार्मोन सिक्रीट होता है एक तरफ से ओवम जनरेट होता है दूसरी तरफ से यूट्रस अंदर से पूरा तैयार होने लगता है कि जायगोट उसके साथ अटैच हो और उसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ उसमें हो सके बट अब इसके आगे नेक्स्ट मैं साइकिल भी इसको हम कहते हैं अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों गर्ल्स के केस में ये गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है गर्ल्स के केस में क्या होता है आपको जैसे आपने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मीन्स कि स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है वो भी कहां पे फेलोपियन ट्यूब्स में ओविडक्ट में ठीक लेकिन वेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर जब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तब उस कंडीशन में क्या होगा द रिलीज एग जो ओवम रिली एग एग रिलीज हुआ और जो थिक एंड लाइनिंग ऑफ यूटरस है यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग थिक हो, हो गई थी मोटी हो गई थी डेवलप हो गई थी वो अलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ वो क्या है ब्लड वेसल्स के साथ किससे वो लाइनिंग किससे बनेगी ब्लड वेसल्स से बनेगी ठीक तो वो ब्लड वेसल्स के साथ वो निकलनी शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन Which is cycle, ठीक मीन्स जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस समय पे जो एग रिलीज है और जो यूट्रस की इनर लेयरिंग है वो ब्लड वेसल्स के साथ सेड ऑफ होती है निकलती है जिसकी वजह से वोमेंस में ब्लीडिंग होती है जिसको हम कहते हैं मैंसुएशन और मैंसुएशन जो है वो 28 से 38 ट्वेंटी एट से थर्टी डेज के बीच का ये टाइम होता है इसमें सिर्फ एक बार होता है और ये ब्लीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट थ्री थ्री टू फाइव डेज तक रहती है और हर मंथ होती है ठीक है अब यहाँ पे दो टर्म और है बच्चों, मेनार्क और मोनोपोज मेनार्क फीमेल में वो फर्स्ट मैंसुअल फ्लो है मीन्स पेब्योरिटी के टाइम में जब फर्स्ट टाइम मेन्सुअल साइकिल स्टार्ट होती है फर्स्ट टाइम वूमेन्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस टर्म को कहा जाता है मेनार्क ठीक ये सब के लिए गर्ल्स के लिए ये अलग अलग होता है 11 से लेके 14 ईयर या 8 से लेके 14 ईयर तक कभी भी ये हो सकता है एट 45 फाइव टू फिफ्टी ईयर ऑफ एज और जब हम 45 से 50 ईयर की एज में पहुंच जाते हैं तो मैं साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है उस स्टेज को हम कहते हैं मनुपोज ठीक स्टॉपेज ऑफ मैं टर्म मैन इनिशियली वॉच साइकिल मैं बी इेगुलर इट टेक टाइम टू बिकम रेगुलर इनिशियली जब शुरू होती है साइकिल जब शुरू होती है दस साल ग्यारह साल में उस टाइम पे ये रेगुलर नहीं होती वन मंथ में हुई फिर थ्री मंथ बाद हुई फिर सिक्स मंथ बाद हुई कब इेगुलर होती है बट उसके बाद ये धीरे धीरे रेगुलर होने लगती है दैट मीन्स एवरी मंथ और आफ्टर ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज फोर टू फाइव डेज का पीरियड होता है एक जिसको आप कहते हैं मैंसुअल पीरियड मैंसुअल साइकिल ठीक है बच्चो तो इसको आज आप इतना कम्प्लीट करेंगे फिर इसके आगे का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे थैंक यू बच्चो